जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। सो साथियों, आज मैं आप सबको बिहार से अयोध्या जंक्शन जाने के लिए यानी कि अयोध्या धाम राम नगरी जाने के लिए बहुत ही अच्छी ट्रेन के बारे में बताऊंगा, जिस ट्रेन से सफर कर आप बहुत ही खुशी खुशी जा पाएंगे उसमें, जो कि बहुत ही अच्छी ट्रेन है। आपको कौन सी ट्रेन पकड़ना है, हालांकि ट्रेनें तो बहुत सारे हैं, लेकिन कौन सी ट्रेन आपको सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए, कौन सी ट्रेन पकड़ के जाना है, कौन सी ट्रेन नहीं पकड़ के जाना है, सभी जानकारी मैं आप सबको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ दोस्तों, जो कि किसी भी प्रकार का भीड़ भड़कम का आप सबको सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही अच्छी ट्रेन मैं आप सबको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो आप सबसे बस एक छोटा सा अनुरोध है कि आप सब अगर चैनल पे नए विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज, और कमेंट बॉक्स में अपना राय लास्ट में जाते जाते जरूर दीजिएगा। चलिए ज्यादा देरी नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, जो की पहला नंबर में ट्रेन आता है 19,186 अहमदाबाद साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन दोस्तों, जो की ये ट्रेन प्रत्येक सप्ताह सोमवार के दिन, बुधवार के दिन और शनिवार के दिन चलता है, यानी कि प्रत्येक सप्ताह में 3 दिन ये ट्रेन चलाए जाते हैं, जो की ट्रेन में जनरल बोगी, स्लीपर बोगी, एसी बोगी, ऑटो एसी बोगी, 3 एसी बोगी, सभी प्रकार की बोगी आप सबको देखने को मिलेगा दोस्तों। जो कि मैं आप सबको बता दूं तो ये दरभंगा जंक्शन से 4:35 में सुबह में ही रवाना होता है अयोध्या जंक्शन के लिए दोस्तों, जो कि ये भी बहुत ही अच्छी ट्रेन है। और चलिए दूसरा नंबर ट्रेन की बात करते हैं, जो की दूसरा नंबर ट्रेन है 14,649 सरजू यमुना एक्सप्रेस ट्रेन दोस्तों, जो की ये भी बहुत ही अच्छी ट्रेन है और सप्ताह में ये ट्रेन भी 3 दिन चलाए जाते हैं। और मैं आप सबको बता दूं ये प्रत्येक सप्ताह रविवार के दिन, मंगलवार के दिन और शुक्रवार के दिन चलाए जाते हैं दोस्तों। और इस ट्रेन में भी आप सबको सभी प्रकार के कोच की संख्या देखने को मिलेगा, जैसे कि जनरल कोच, एसी कोच, स्लीपर कोच, 2 एसी कोच, सभी प्रकार के कोच आप सबको देखने को मिलेगा दोस्तों। जो कि ये ट्रेन दरभंगा जंक्शन के 8:55 में रवाना होते हैं अयोध्या जंक्शन के लिए, जो की बहुत ही अच्छी ट्रेन है। इस ट्रेन में बहुत ही कम मात्रा में भीड़ रहता है दोस्तों। और चलिए आगे की बात करें तो आगे नंबर ट्रेन है 15,557 आनंद विहार टर्मिनल दोस्तों, जिसे अमृत भारत एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, लेकिन ये ट्रेन बहुत अच्छी ट्रेन है। इस ट्रेन में भीड़ भड़कम का बहुत ही कम उम्मीद रहता है और ये ट्रेन प्रत्येक सप्ताह 2 दिन चलाए जाते हैं, सोमवार के दिन और बृहस्पतिवार के दिन दोस्तों। क्योंकि इस ट्रेन में भी आप सबको जनरल कोच, एसी कोच, 2 एसी कोच, स्लीपर कोच, अन्य सभी प्रकार के कोच की संख्या आप सबको देखने को मिलेगा दोस्तों। और ये ट्रेन दरभंगा जंक्शन से दोपहर को 3 बजे रवाना होता है अयोध्या जंक्शन के लिए, और सबसे बढ़िया ट्रेन यही होता है आनंद विहार टर्मिनल। हालांकि ये प्रत्येक सप्ताह में 2 ही दिन चलाए जाते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया ट्रेन होता है टिकट बुकिंग वालों के लिए, सबसे बढ़िया होता है। इन तीनों ट्रेनों के बारे में मैंने आप सबको जानकारी बताई है, यही तीनों ट्रेन है जो कि दरभंगा जंक्शन से अयोध्या जंक्शन के लिए जाते हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही अच्छी ट्रेनें हैं। लेकिन सबसे अच्छी ट्रेन आप सबको आनंद विहार टर्मिनल ही मिलेगा, जिसमें आप बहुत ही अच्छी तरीके से सफर करके जा सकेंगे। तीनों ट्रेनों में से अगर आप जनरल की कोच में जाना चाहते हैं तो सरजू यमुना एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ के जाइए, जो की सरजू यमुना एक्सप्रेस ट्रेन में बहुत ही कम भीड़ रहता है जनरल कोच में। अगर आप सब रिजर्वेशन में जाते हैं तो आनंद विहार टर्मिनल यानी कि अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को पकड़ के जाइए रिजर्वेशन में, तो बहुत ही अच्छा आप सबके लिए रहेगा। बाकी आप सबका क्या राय है कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताएगा दोस्तों। मैं आप सबका छोटा भाई अभिराज, और मिलते हैं आप सबसे अब किसी नए जानकारी के साथ दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।